हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से शूट नहीं कर रही थी, कुछ बिजी स्केड्यूल चल रहा था, बच्चा छोटा था, आप सब जानते हैं। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक हैप्पी बर्थडे का टैग है। आज हमारा जो बच्चा है वो 6 महीने का पूरा हो चुका है, मतलब 6 मंथ। बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, इतना ज्यादा नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं। घर में किसी को बुलाया नहीं है, हम दोनों ही हैं घर में, तो इतना बड़ा कुछ नहीं कर रहे, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, ताकि वो जब बड़ा हो जाएगा वो देखेगा कि मेरे लिए मम्मी पापा ने क्या किया था। और एक शगुन भी होता है हमारे यहाँ कि 6 मंथ के बाद बच्चा जो होता है वो सॉलिड फूड स्टार्ट कर देता है, तो उसे खीर चटाई जाती है, चावल की खीर। आज के बाद हम उसे थोड़ा थोड़ा दाल का पानी है, खीर है, या जो फ्रूट्स होते हैं उनकी प्यूरी बना के दे सकते हैं। तो आज 6 मंथ का जब कंप्लीट हो गया है, तो आज के बाद हम उसे सब कुछ देंगे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। वीडियोस में देखा कि 56 भोग से सजाया जाता है। 56 भोग तो मैंने नहीं तैयार किए हैं। घर में जो भी सामान था, थोड़ा 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 बच्चों के खाने का, अभी ये सब कुछ खा तो नहीं सकता, पर अब से स्टार्ट कर सकता है। तो मैंने कैसे सजाया मैं आपको दिखाती हूँ। सब है यहाँ पर, मैंने अभी ये बाउल्स ना खाली है, अभी मुझे इसमें सामान फिल करना है। ये बिस्किट्स, नमकीन सब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। यहाँ पर बाउल्स में कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये है पिस्ता, किशमिश, मैरी। मैरी का बिस्किट मैंने इसको देना स्टार्ट किया थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर रख दिया था। और ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये है डेकोरेशन। और मैंने ना खीर सुबह ही बना ली थी, क्योंकि जब ये उठ जाएगा तो उसके बाद तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो ये खीर मैंने यहाँ पर बना के तैयार कर दी है। अब उसे नहला के थोड़ा सा मैं खीर उसे चटाऊंगी, बाकी हम सब खाएंगे। तो नहलाने का भी ना इसमें बड़ा अच्छा सा एक ट्रेडिशन होता है, कि जैसे शिव जी को नहलाया जाता है ना दूध और पानी से, इसी तरीके से बच्चे को नहलाया जाता है। उसे कुछ नया कुछ पहनाया जाता है, चांदी के कड़े, पायल, कुछ भी, और नए कपड़े पहना के फिर उसको यहाँ पर आराम से बिठा के, अभी बैठना तो प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन एक पीछे किसी तकिए की हेल्प से हम उसे बिठाएंगे, टीका उसका टीका करेंगे, और फिर उसे खीर चखाएंगे। तो अब देखते हैं, मैं उसे पहले नहलाती हूँ। अभी तो वो सोया हुआ है, सुबह जल्दी उठ गया था, अभी सोया हुआ है, उठाती हूँ, फिर थोड़ा सा मसाज करूंगी, फिर नहाने की तैयारी। आगे आगे अब बहुत चीजें करनी है, तो फटाफट मैं उसे नहला लेती हूँ। तो गाइस, अब मैं इसको नहला रही हूँ। देखो, ये मैंने एक टब रखी है जिसमें नहाता है, और इसमें मैंने दूध, पानी और हल्की सी गुलाब की पत्तियां ऐड करी हैं। तो अब इसको इसमें बिठा देते हैं बंदर को। इसको नहाने में बहुत मजा आता है, जब कभी कपड़े इसको पहनाओ ना, जब इसे आफत आती है, लेकिन नहाने में तो इसको बहुत मजा आता है। नहाए 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 हरे कृष्णा कृष्ण मुरारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आह 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 आह। सही नहला रहे हैं, पापा भी अपना शगुन पूरा कर रहे हैं। नोना को मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नोना को। आ जाओ, चलो छोड़ो भाई। सब स्टार्ट कैसे कैसे
सजाया है। ये फूलों से मैंने छह बनाया है क्योंकि छह महीने का हो गया है। यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाया है घर के खाने के सामान से, वो बादाम है, मनक्के हैं, काजू, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, और ये सारे हमने घर में बनाए। वो खीर है, ये चैरी वाला पेठा है जो आगरा में फेमस है, ये मूंग की दाल है, गज्जक है, कचौड़ी, मट्टी, ये मीठी मट्टी है, ये पीठी मट्टी है, ये लड्डू है, और ये कुछ फूल है। तो इसी से एक स्वास्तिक बनाया है, डेकोरेट किया है, और ये तो मैंने रात को ही डेकोरेट किया था, मैंने आपको सुबह दिखाया था। तो अब स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है हम बैठना सीखा नहीं है, इसलिए हम इसकी हेल्प से इसको ऐसे दिखाएंगे। और शरारती बहुत है, अभी इसने सारा स्टिक्स खराब कर दिया था हमारा। देखो देखो, सीधा बैठ जाओ, बैठेगा ही नहीं सीधा यार। नन्ना देखो देखो मम्मा क्या करेगी, ये देखो। सबसे पहले हम इसको फूलों की माला बनाएंगे। पहली बार खा रहे हैं इसलिए अजीब सा शक्ल बना रहा है। अच्छी है, मम्मा ने अच्छी बनाई है या गंदी बनाई है? इसका ध्यान कैमरे में है। मोना एक बार स्माइल तो कर दो, स्माइल तो कर दो। हंसके दिखा दो भाई, हंसके तो दिखा दो, इसको खेलने से मतलब है। वो चावल चावल दूध दूध, हाँ टेस्टी है, गंदी है? खा लो। कैसा टीका लगा, फिर माता भर दी बेचारे का। इसकी हाइट लंबी बहुआएगी। चलो पैसा दो उसको कुछ। ओ ख्वाब पूरे हो तुम्हारे अरमान से दिल का, तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। भव्य तो जान से प्यारा तो ये संसार हमारा है, भव्य तो जान से प्यारा तो ये संसार हमारा है। फंक्शन में भी जाना है और ये पहली बार किसी फंक्शन में जाएगा, इसका बर्थडे भी है तो वहीं पर पार्टी हो जाएगी। तो हम तैयार होते हैं और फिर इसी चीज आपको वेन्यू पे मिलते हैं। सो गाइस शादी के लिए हम रेडी हो रहे हैं,
अभी सब रेडी नहीं हुए, मैं भी आधी रेडी हुई हूँ, आपको भी रेडी हूँ, हेयर डू करना है, कुछ सोच रही हूँ गले में नेकलेस पहन लूँ, और इयर रिंग्स मुझे ज्यादा सूट नहीं कर रहे हैं, कुछ छोटे पहनूंगी, बहुत बड़े हो गए हैं, बेबी को रेडी करना है, इसको रेडी, ये रेडी हो गया, मानो सब रेडी हुए, क्योंकि इसके साथ चीजें मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये भी रेडी नहीं हुए हैं, मुझे इयर रिंग्स भी बदलने हैं, मैंने भी पूरा सूट भी नहीं पहना है, दुपट्टा वेयर करना है, तो पूरा रेडी होके हम तीनों आपको शादी पे मिलेंगे वेन्यू पे, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं, कि रात के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर मिलते हैं आपको शादी में। तो गाइस हम शादी में आ चुके हैं, शोर बहुत ज्यादा से आवाज आपको नहीं आ रही होगी, तो आप गाइज अब हम घर जा रहे हैं, शादी बहुत अच्छी थी, बहुत सारा खाना खा लिया, बिल्कुल ओवरलोड हो चुका है, अब रौनक जो तंग करने लगा है, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी इस नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।